ये सब चीजें जो आज राजस्थान की सरकार आपको दे रही है, ये आपके हक हैं। आज देश में परिस्थिति ये है कि देश पर राज करने वाले भाजपा के नेताओं के मन में इतना अहंकार आ गया है कि ये बातें भूल चुके हैं। वही प्रधानमंत्री जो अपने आप को भूमिपुत्र कहते थे, आज करोड़ों के काफिले में चल रहे हैं। अगर आप महंगाई से जूझ रहे थे महंगाई राहत कैंपों से पहले, अगर आपके जीवन में अत्यंत मुश्किलें थी, तो ये किस लिए थी? कभी आपने ये सवाल उठाया है कि इतनी महंगाई क्यों? हमें जब रोजी रोटी के लिए कमाने जाना पड़ता है, हमें थोड़े से पैसे मिलते हैं। हम जब दुकान जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, मन में शायद बात होगी आपकी मेरी बहनें कि आज मैं सब्जी बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, तो आप इस आशा से जाती हैं दुकान की आपको दो चार चीजें खरीद के आएंगी, लेकिन हमेशा आप वापस आ जाती थी आधी चीजें लेकर। गैस का सिलेंडर आज देश भर में 1000 रुपए का है, कौन खरीद सकता है? क्या आप खरीद सकती हैं? यहां पर राजस्थान की सरकार ने आपको 500 में क्यों दिया है सिलेंडर? क्योंकि देश भर में जो महंगाई है उसकी भाजपा के नेताओं को कोई परवाह नहीं है। जब घर पर कोई बीमार पड़ जाता है, अस्पताल ले जाना पड़ता है, इलाज कराना पड़ता है, तो एक तो बीमारी का टेंशन होता है कि किस तरह से इलाज होगा, दूसरा हम कितने पैसे लगेंगे, तीसरा कि हम कमाएंगे कैसे इनका इलाज कराने के लिए। इसी तरह से कोई घर में कमरा बनाना हो, डर लगता है कि कितने पैसे हैं कि हम खर्च कर सकते हैं, बारिशें आ रही हैं, पानी चू रहा है ऊपर छत से, छत की मरम्मत करने के लिए आप 10 बार सोचते हैं कि करना चाहिए कि नहीं, हमारे पास शायद पैसे नहीं होंगे। ये नौबत क्यों आई है आज इस देश में कि प्रदेश की सरकारों को महंगाई राहत कैंप लगवाने पड़ रहे हैं? जब पूरे विश्व में तेल की बड़ी बड़ी कंपनियां खूब मुनाफा कमा रहे हैं और यहां भारत में भी, तो आपके लिए तेल इतना महंगा क्यों? आपने ये सवाल उठाया है, आपको ये सवाल उठाने पड़ेंगे कि ये सब जो आपको दिख रहा है इसमें असलियत क्या है। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में खूब बारिश आई, बारिश की वजह से टीवी पे आपने देखा होगा कितने सारे लोगों के घर गिर गए, खूब भारी नुकसान हुआ, जनता ने झेला ये नुकसान, हमारी सरकार ने प्रयास किया कि उनकी मदद हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मित्र बड़े उद्योगपति अडानी जी ने क्या किया? जो सेब को उगाते हैं, जो सेब की पेटियां हैं उनको बेचने के लिए जब किसान गए तो उन्होंने दाम घटा दिए, खरीदने का दाम घटा दिया। जिनको अपने घर बनाने पड़े क्योंकि इतनी बर्बादी हुई, घर पे घर गिर गए, जिनको अपना घर बनाना था सीमेंट खरीदने गए, अडानी जी ने सीमेंट का दाम ऊपर कर दिया है, बढ़ा दिया है। और इनके पीछे कौन है? इनके पीछे हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने इस देश की पूरी संपत्ति अपने उद्योगपति मित्रों को दे दी। अब इस देश की संपत्ति किसकी संपत्ति थी? आप ही की संपत्ति थी, ये मेरी बैठी बहनें जो बैठी हुई हैं इनकी संपत्ति थी। आज अगर पुरानी पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारी रो रहा है तो क्यों रो रहा है? क्या उसका हक नहीं था कि 20-25 साल नौकरी करने के बाद उसे पेंशन मिलता, उसे सुरक्षा मिलती अपनी जीवन की, अपने परिवार के लिए? क्यों छीना गया ये? और जब इसको देने का समय आता है तो ये केंद्र की सरकार क्यों कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है?
क्योंकि इनके जो बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं उनके हजारों करोड़ों के जो लोन हैं